तो हाफ महफिल सच चुकी है। तो अभी थोड़ा सा जो है हाइट पर, थोड़ी हाइट पर तो एक गेट टुगेदर आज जो है फ्रेंड्स पार्टी है। तो दोस्तों लाइट का यहाँ पर इशू है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों दीपावली करीब है तो एक फैमिली टुगेदर जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए छुट्टियों की अमानगढ़। तो ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट। तो चलिए चलते हैं और डल रहा है गाड़ी में फ्यूल, दिखाते हैं आपको कुछ भी। तो दोस्तों इस वक्त जो है थाम रखी है जिम्मेदारी चौधरी साहब ने और ले रहे हैं फ्यूल, चलते हैं अमानगढ़। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने डीपली ये है पहाड़ जो कालागढ़ टू कोटद्वार ये ज्वाइन करते हैं। बहुत दूर तक आप देख सकते हैं कि यह है जिम कार्बेट जंगल। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं और भाई राजू लॉन्ग ड्राइव करके, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अमानगढ़ के जंगलों में। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहां के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़े बड़े माउंटेन हिल हैं और एक बहुत ही बड़ा ये जो है बहुत बड़ा वसी ग्राउंड है। और इवनिंग के जो है यहाँ के व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत आएंगे। लगभग 4 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक। थोड़ा सा और हमें जाना है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं हमें अभी और जो है अंदर जंगल की तरफ जाना है। तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये जंगल, हमें यहाँ जाना है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें जाना है, आप देख सकते हैं अंदर जंगलों में, और ये रास्ता यहाँ से ओपन करते हुए और अंदर जंगलों में हम, आप देख सकते हैं घने जंगलों में हम जाएंगे। रास्ता खुल चुका है तो यहाँ पर जो है सेफ्टी के लिए, ये आम रास्ता नहीं है कोई स्पेशली, चूँकि हम जा रहे हैं तो हमारे लिए खुल चुका है। और ये बीच में एक वायर तार, चलिए बढ़ाइए। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है एंटर और अभी हम जाएंगे इन जिगजैग वाले रास्तों से जंगल की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा शांत है चौधरी साहब एरिया, बहुत ही ज़्यादा। अब तो घने जंगल हैं आप देख सकते हैं, रास्ता भी बहुत ज़्यादा रेतीला हो रहा है, यहाँ पे कई जगह गाड़ी जो है स्लिप हो रही है, सही से चल नहीं पा रही है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर फार्म हाउस पर और ये सामने आप देख सकते हैं ये है फार्म हाउस, यहाँ पर जा रहे हैं हम। तो आज होगी दोस्तों के साथ यहाँ पर एक इंजॉय पार्टी। तो पहुँच चुके हैं हम फार्म हाउस, हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर और आज की शाम यहाँ पर होगा इंजॉय। तो दोस्तों ये है अमानगढ़ का फार्म हाउस, आज जो है एक गैदरिंग फ्रेंड्स पार्टी यहाँ पर होगी। बहुत ही शांत और बहुत ही जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है पीसफुल यहाँ का एनवायरनमेंट है, बहुत ही शांत, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे ही ये सूरज ढलेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लाए हैं साथ में अपनी जो है भट्टी वगैरह, आज यहीं पर होगा जो है चिकन पार्टी। दोस्तों ये हमारा चिकन टिक्का और ये है भट्टी, आज इन्हीं जंगलों में हम करेंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज इस फार्म हाउस पर। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं फार्म हाउस पर और साथ में हमारे भट्टी, तो आज फुल इंजॉय होगा इंशाल्लाह यहाँ पर और रहेगा साथ में चिकन टिक्का। तो चाचा यहाँ के जो है रखवाली चंद्रपाल जी, जी चाचा जी कैसे हो, ठीक हो? तो ये यहाँ की देखभाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं सीटें वगैरह सब सेट हो चुकी है, जम चुकी है, बस महफिल का इंतज़ार है। तो दोस्तों हो रही है भट्टी तैयार,
पड़ चुके हैं भट्टी में कोयले, और इनको हम कर रहे हैं सेट, और उसके बाद वन बाय वन सलाई चिकन की यहाँ पर लगेगी। तो लाइए लगाने इसमें आग। दोस्तों हमारी दूसरी गाड़ी आ चुकी है, भाई आते शाम पहुँच गए हैं, और नदीम भाई, नदीम अंसारी, शाहरुख अंसारी, तो बैठे हुए हैं चौधरी साहब, कर रहे हैं वेट तमाम लोगों का। तो माशाल्लाह यारों की महफिल सज चुकी है, अभी भी कुछ और गाड़ियाँ, कुछ और साथी आने बाकी हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का जो है बिल्कुल पीसफुल मंजर, दूर तक शांति शांति। तो पहुँचे हैं तमाम साथी, कुछ और अभी आने बाकी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी चिकन टिक्का। तो धीरे धीरे शाम जो है अपनी वो तमाम रौनकें लेकर लौट रही है। तो यहाँ पर जो है तमाम यार दोस्त कर रहे हैं थोड़ी चहलकदमी और ले रहे हैं यहाँ के व्यू का मज़ा। और गाड़ी आने वाली है, अभी चौधरी साहब बोल रहे हैं कुछ और साथी आने वाले हैं, अभी और गाड़ी आएगी। तो हाफ महफिल सज चुकी है, यहाँ मुर्गे के साथ साथ आज जो है मेरा भी इम्तिहान है, देखते हैं क्या टेस्ट आया। और माशाल्लाह सही है बढ़िया माशाल्लाह। तो शाहरुख भाई जी, शाहरुख भाई बढ़िया बढ़िया, समीम भाई बढ़िया। दोस्तों जैसे जैसे शाम ढल रही है माशाल्लाह यहाँ पर जो है यहाँ के व्यू और यहाँ की जो है स्वैग बहुत ज्यादा जो है मजा आ रहा है, और ज्यादा शांत। ये मान लीजिए नून मानी दोपहर के बाद, अब इवनिंग में और ज्यादा यहाँ की जो है लुकिंग और यहाँ की जो है व्यू माशाल्लाह बहुत ज्यादा गजब है। और थोड़ा सा जो है आधा पौन घंटा गुजरने के बाद और ज्यादा यहाँ मजा आएगा, और इंशाल्लाह जो है यहाँ पर पूरी जो है एक गेट टुगेदर चलती है। यहाँ पर हिरन वगैरह और भी काफी कुछ, देखते हैं क्या चांस बनता है, करेंगे कोशिश दिखाने की आपको। तो अभी थोड़ा सा जो है हाइट पर जो है महफिल सजेगी अब, तो सारी चेयर्स उठा कर पहुँच गए हैं थोड़ी हाइट पर। दोस्तों ये जिसको हाफ डन बोलते हैं वो हो चुका है, और इधर अभी चल रहा है टंगड़ी हमारी, अभी यहाँ पर हो रही है हाफ डन, और कुछ सलाई ऊपर है। तो सजा हुआ है तमाम हमारा सामान, और चल रही है तैयारी। उधर बैठे हुए हैं भाई आते शाम, और कुछ साथी गए हुए हैं अभी बाहर शायद इंजॉय के लिए, इस तरफ बाहर गए हैं। तो एक गेट टुगेदर आज जो है फ्रेंड्स पार्टी है, तो ये दिवाली के उपलक्ष्य में जो है छुट्टियों की यहाँ पर जो है उनको बिताने आए हैं, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर सजी हुई है टंगड़ी चिकन टिक्का, और धुआंधार भट्टी यहाँ पर जो है चल रही है। तो धीरे धीरे वापसी टोली आ रही है, घूमने गए थे बाहर थोड़ा सा जो है जंगल वगैरह सैर सपाटा करके आए हैं, और वापसी आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ डन मुकम्मल हो चुका है, और लाइट का थोड़ा सा जो है यहाँ पर इशू है। दोस्तों फाइनल हमारी चौथी गाड़ी आ चुकी है, बाकी साथ ही आ गए हैं और उस तरफ बैठे हुए। दोस्तों आ गए हैं फाइनल साथ ही, और दोस्तों हाफ डन हमारा फाइनल हो चुका है, और इस वक्त हमने स्टैंड भट्टी से हटा दिया है, तो हमारा हाफ डन हो चुका है फाइनली। तो दोस्तों लाइट का यहाँ पर इशू है, हम फिलहाल बैटरी की लाइट से जो है यहाँ पर काम चला रहे हैं। हाफ डन हमारा फाइनल हो चुका है, एक गाड़ी और आना बाकी है कुछ और दोस्त, और उसके बाद फाइनल होगी ये गैदरिंग पार्टी। तो ये बैटरी की लाइट यहाँ पर हम जो है इसी से काम चला रहे हैं फिलहाल। ताऊ बैठे हुए हैं सामने हमारे, बैटरी हाथ में है। तो चौधरी साहब बीच में हुक्के के साथ, और तमाम हजरात यहाँ पर ले रहे हैं चिकन टिक्का। समीम चिकन टिक्का बोल रहा बोलो भाई। समीम चिकन टिक्का बोल। ए आर सी चिकन टिक्का ले रहे हैं इस वक्त तमाम यार दोस्त। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12, हम पहुंच चुके हैं नैटौर। जब लोग दोस्त सारे गेट टुगेदर बैठकर खाना खा रहे थे, हमने वो सीन भी आपको दिखाया। तो चूँकि लाइट की बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रही उस फार्म हाउस में, जंगल के बीच में था, बहुत कुछ था आपको दिखाने के लिए, बस हम जो है लाइट की बिना आपको नहीं दिखा पाए। बहुत ज़्यादा हिरन है वहाँ पर, बारह सिंगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन जंगलों में।
तो हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। अभी और पहुंच चुके हैं हम नैटोर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग अमानगढ़ से। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। तो फाइनल गाड़ी पहुंच चुकी है थार। तो लाइट का थोड़ा सा इशू है लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं गेट टुगेदर एक ये महफिल जप चुकी है और बैठे हुए हैं तमाम